नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बहराइच जिले में 6 सूत्री मांगों को लेकर बिजली कर्मियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करने वाले बिजली कर्मियों ने संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मियों ने मांग न पूरा होने पर प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए बिजली कर्मचारी संघ ने तेलंगाना सरकार की तरह उत्तर प्रदेश में भी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है। कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर समुचित चिकित्सा व्यवस्था करने व संविदा कर्मियों को रेगुलर नियुक्त न होने तक सेवा नियमावली बनाते हुए ठेका संबंध एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 के अनुसार सीधे भुगतान किए जाने व 2009 से अब तक संविदा कर्मियों की गई कटौती ईपीएफ की जांच व सीबीआई से कराई जाने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को चेताने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। अनस तारिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ जिला बहराइच कमेटी का जिला मंत्री, हमारे जो केंद्रीय कमेटी है वहाँ कार्यकारिणी की बैठक नवंबर माह में 7, 8 और 9 तारीख को हुई थी, जिसमें हमने अपनी मांगों को लेकर के एक मेमोरेंडम सरकार को सौंपा था, प्रबंधन को सौंपा था, लेकिन प्रबंधन ने अपनी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है, उसने हमारी किसी भी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे तेलंगाना सरकार यदि संविदा कर्मचारियों को रेगुलर वेतन दे सकती है तो उत्तर प्रदेश सरकार संविदा कर्मचारियों को रेगुलर क्यों नहीं कर रही है? कोरोना जैसी भीषण बीमारी में जहां सब लोग अपने अपने हितों का ध्यान रख रहे थे, वहीं हम बिजली कर्मचारी खड़े होकर के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन उसका इनाम हम लोगों को यह मिला कि हमारे विभाग को ही बेच देने की कोशिश की गई। अगर आपकी मांगे ना मांगी गई तो क्या करेंगे? आज हमने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया है मंडल कमेटी पे। अगर हमारी मांगों पे फिर भी विचार नहीं हुआ तो हम 22 जनवरी को मुख्य अभियंता के कार्यालय का घेराव करेंगे और कार्य बहिष्कार करेंगे। उसके बाद में तब भी अगर हमारी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो हम केंद्र के का जैसा दिशा निर्देश होगा हम अनिश्चितकालीन का हड़ताल पे चले जाएंगे।